हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है जोसेफ एडिशन का एक एसे सर रॉगर एट चर्च। ये आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का यूनिट 6 का टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं कि इस एसे में जोसेफ एडिशन क्या कहते हैं। इस एसे में राइटर जोसेफ एडिशन हमें बताने की कोशिश करते हैं कि संडे की इम्पोर्टेंस क्या है। इस हिस्से में सर रॉगर नेम के एक आदमी है जिसे संडे बहुत पसंद रहता है। संडे के दिन उन्हें चर्चमैन बनने का चांस मिलता है। आपको यह बात पता होगी कि क्रिश्चियन लोग संडे को चर्च में मिलते हैं। उनका संडे को चर्च में जाना एक नियम होता है और वीक में 6 डेज काम करने के बाद संडे के दिन लोगों को छुट्टी मिलती है, जिस दिन लोग आराम करते हैं। इस ऐसे में एडिशन एक गांव की बात करते हैं। उस गांव का भी यही नियम होता है कि वहां के लोग संडे को चर्च में जाते हैं और लोगों से मिलते हैं। जैसे अपने पड़ोसी अपने रिश्तेदारों से वो चर्च में मिलते हैं। सभी लोग नहाकर अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर लोगों को ग्रीट करते हैं। सभी लोग एक दूसरे से अलग अलग टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स पर बातें करते हैं और लोगों को दूसरे के मैटर में बड़ा इंटरेस्ट होता है, जबकि उनका उसमें कोई पर्सनल मैटर नहीं होता। फिर भी उनको दूसरों के मसले में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। जो कुछ भी चर्च के क्लर्जी बोलते हैं सभी लोग बहुत ध्यान से उसे सुनते हैं और उसे सुनने के बाद सभी लोग एक साथ एक आवाज़ में भजन गाते हैं। और इस बात पर राइटर जोसेफ एडिशन कहते हैं कि यह चीज़ें कल्चर को बनाए रखने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इन सब चीज़ों के अलावा संडे इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है और इसकी भी कई रीजंस हैं। तो आखिर संडे इतना इम्पोर्टेंस क्यों है, देखिए जैसे नॉर्मली आप लोग अपनी डेली लाइफ में देखते ही होंगे कि लोग संडे का दिन सुबह सुबह नहा लेते हैं, अच्छे कपड़े पहन लेते हैं और घर की औरतें उस दिन स्पेशली घर की साफ सफाई करती हैं, अच्छा खाना भी बनता है लोगों के घर और संडे को सभी लोग खुद को बहुत फ्री महसूस करते हैं। और आगे राइटर कहते हैं कि पूरे हफ्ते आदमी काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, वह काम करके इतना थक जाते हैं कि चीज़ों को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते और संडे उनके माइंड को फ्री और रिलैक्स देने का काम करता है। पूरे हफ्ते आदमी काम ही काम करता है तो उसे सोचने तक का वक्त नहीं मिलता कि वह ऐसा क्यों कर रहा है और इस वजह से वह बहुत ज़्यादा थक जाता है। और तब जाकर संडे आता है और उसे इन सब से बाहर निकलने में हेल्प करता है। एक क्लर्जी मैन उसको जो कुछ भी एडवाइस देता है उन सब को सुनकर वह बहुत अच्छा महसूस करता है। क्लर्जी मैन उनको बताता है कि उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं उनकी लाइफ में, जैसे अपनी फैमिली के लिए उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, उनके रिलीजियन के लिए, उनकी सोसाइटी के लिए और गॉड के लिए उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। इन सब बातों से चाहे कोई मैन हो या वुमेन खुद को बहुत मोटिवेट फील करते हैं। राइटर आगे कहते हैं कि ऐसे ही एक चर्च में सर रॉगर वह बहुत ही रिलीजियस मैन है। वह अपने कस्टम्स को फॉलो करता है। वह गांव के चर्च में बड़ा इंटरेस्ट लेता है। वह पूरा ध्यान देता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चर्च को अटेंड करें। चर्च को अंदर से सवारने में भी वह बड़ा इंटरेस्ट लेता है। वह चर्च को एकदम ब्यूटीफुल बनाकर रखता है। उसने चर्च को अलग अलग टाइप से डेकोरेट कर रखा है और बाइबल की बहुत सारी अच्छी लाइंस और सिग्निफिकेंट लाइंस उसने सेलेक्ट करके उसने चर्च की दीवारों पर लिखवा रखी है। वह बहुत पैसे वाला आदमी था।
उसने बहुत खर्चा किया चर्च के ऊपर। अब उसने नोट किया कि गांव के लोग रेगुलरली चर्च नहीं जाते, तो उसने लोगों से कहा कि लोग रोज़ चर्च आएं और हर इंसान के पास अपनी कॉमन प्रिय बुक होनी चाहिए, लोगों को प्रेयर में इन्वॉल्व होना चाहिए। इवन एक सिंगर था, उसको उसने गांव के लोगों के पास भेजा, तो सर रॉगर ने एक सिंगर को गांव के लोगों के पास भेजा कि वह गांव के लोगों को गाना सिखाए ताकि लोग प्रेयर में कम से कम ढंग से गा सकें, ताकि लोगों से कम प्रेयर में तो गलती ना हो। और वह सिंगर अपने काम में सक्सेस हुआ, वह अपना काम बहुत अच्छे से करता है और सबको गाना सिखा देता है। और राइटर जोसेफ एडिशन कहते हैं कि सर रॉगर की ही बदौलत उस गांव के लोग इतना अच्छा प्रेयर गाने लगे कि आसपास के गांव में कोई भी नहीं गा सकेगा। सर रॉगर चर्च में सारे गांव वालों के मास्टर थे। वह हमेशा असेंबली का ध्यान रखते थे कि हर कोई चर्च के अंदर डिसिप्लिन और गुड मैनर को फॉलो करे, और उन्होंने हमेशा ध्यान रखा है कि जब सरमन चल रहा हो तो उस दौरान कोई भी सो न जाए। हालांकि यह बात अलग है कि वो कभी कभी सरमन के दौरान खुद ही सो जाते थे, लेकिन जब वह जागते थे तो किसी को सोने नहीं देते थे। वह बड़े ध्यान से देखते थे कि कोई सो तो नहीं रहा है ना, और अगर उन्हें कोई सरमन के दौरान सोता हुआ दिख जाता तो वह खुद उसके पास जाते थे या तो फिर अपने किसी सर्वेंट को भेजते थे कि जाकर उसे उठाओ। इन सब के अलावा सर रॉगर की कुछ पार्टिकुलर हैबिट्स भी हैं जो उनको बाकी लोगों से अलग बनाती हैं। जैसे कभी कभी जब सारे लोग भजन गा चुके होते तो वह तब भी भजन गाते रहते, और कभी कभी अपनी ही प्रेयर से खुश होकर 3-4 बार आमीन बोल देते थे, और कभी कभी तो जब लोग अपने घुटने टेके भगवान के सामने प्रार्थना कर रहे होते हैं तो सर रॉगर उनके सामने खड़े होकर उनकी गिनती कर रहे होते हैं कि कहीं कोई कम तो नहीं है ना, और देखते हैं कि आज सब लोग आए हैं ना, किसी ने आज छुट्टी तो नहीं कर ली। आखिरी दिन सर रॉगर ने एक जॉन मैथ्यू नाम के एक आदमी से कहा कि तुम प्रेयर करते समय लोगों को डिस्टर्ब मत किया करो। तो उनकी यह सब हैबिट्स को देखकर हम समझ सकते हैं कि उनका बिहेवियर बहुत अलग था। वह बहुत अजीब टाइप के इंसान थे, लेकिन उनकी अजीब हरकतों को लोग इग्नोर कर देते थे क्योंकि लोग जानते थे कि वह एक अच्छे और रिलीजियस मैन है और वह एक जिम्मेदार आदमी है, और उनमें बहुत सी खूबियां हैं और कुछ कमियां भी। वह इन सब चीज़ों का मिक्सचर है, क्योंकि जब वह इस गांव में आए थे उस वक्त इस गांव में चर्च को कोई सीरियस नहीं लेता था। इनके आने के बाद इन्होंने गांव वालों को बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड कराई, जैसे बैठने के लिए आसन और अपनी पर्सनल प्रेयर बुक। इस चर्च का सारा डेकोरेशन वाला काम अपने खुद के पैसे यानी पर्सनल मनी